सतना में बच्चों की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें भागलपुर से मुंबई एक ही समुदाय के 15 बच्चों को ले जाया जा रहा था। सतना जीआरपी और चाइल्ड लाइन की टीम ने रेस्क्यू कर इन 15 बच्चों को ट्रेन से उतारा। बच्चों को अपने साथ ले जा रहे व्यक्ति के पास पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह से संदिग्ध पाया गया। फिलहाल चाइल्ड लाइन इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बच्चों के माता पिता से भी संपर्क किया जा रहा है। सतना चाइल्ड लाइन की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन में भागलपुर स्टेशन से सतना के रास्ते होते हुए 15 बच्चों को मुंबई ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम ने सतना जीआरपी और आरपीएफ पुलिस से संपर्क किया और एक टीम गठित की गई। जैसे ही देर रात भागलपुर एक्सप्रेस सतना रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 15 बच्चों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक से पूछताछ करने पर बताया गया कि सभी बच्चों को मुंबई मदरसा ले जाया जा रहा है। युवक के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले, लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ प्रतीत हुआ। लिहाजा चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चों को अपने सुपुर्दगी में रखा हुआ है और युवक को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। चाइल्ड लाइन की माने तो सभी बच्चे एक ही समुदाय के हैं, सभी बच्चों की पहचान कर ली गई है, साथ ही उनके माता पिता से संपर्क किया जा रहा है। मामले के संदर्भ में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के लिए या किसी और काम के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों के पहुँचने तक सभी बच्चों को CWUC के सुपुर्द किया गया है। जी, कल हमें लगभग 4-4:30 बजे के लगभग कॉलर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बच्चे भागलपुर स्टेशन से लगभग 20 से 25 बच्चे जा रहे हैं, जो कि मुंबई ले जाए जा रहे हैं। ये लगा कि बच्चे शायद काम कराने के लिए या मानव तस्करी के रूप में ले जाए जा रहे हों, तो हमको कार्रवाई करना उचित था। तो हमने तुरंत अपने CWC GRP RPF की मदद ली और हम लोग 11 बजे स्टेशन पे पहुँचे। रात को जहाँ ट्रेन आई वहाँ पे हमने सर्च किया, S2 और S1 से हमें लगभग 15 बच्चे और एक जो बंदा ले जा रहा था असलम भाई, वो हमें मिले। अभी संभवतः हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे या काम करने के लिए जा रहे थे। बच्चों की काउंसलिंग जारी है। अभी तक जो आया है मामला, वो समझ में आ रहा है कि बच्चे शायद पढ़ने के लिए जा रहे थे। बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की जा रही है। जब तक फैमिली नहीं आ जाती हमारे पास और बच्चों की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मामला संदिग्ध लग रहा है, लेकिन हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, बच्चों के पास परिचय पर उनके आधार कार्ड मिले हुए हैं, सभी बच्चे अपना आधार कार्ड रखे हैं। बच्चों के पास अपनी फैमिली के मोबाइल नंबर हैं, जो कि हमारी टीम बच्चों की फैमिली से संपर्क कर रही है। इस पर अग्रिम कार्रवाई क्या है? अभी हम CWC सुपुर्द करेंगे बच्चों को। अब अग्रिम कार्रवाई CWC देखते हैं क्या करती है।